चिट्ठियाँ बसों और गाड़ियों में भेजी जाती हैं, चिट्ठियाँ रेलगाड़ियों में भी भेजी जाती हैं और चिट्ठियों को हवाई जहाज के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार चिट्ठियों को पहुँचाने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था? तो क्या है ये पूरी बात, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। मोबाइल फोन और इंटरनेट से पहले चिट्ठियाँ संचार का एक अहम साधन थी, लेकिन चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हफ्तों लग जाते थे और लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। इसीलिए अलग अलग तरीकों से चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाने की कई बार कोशिशें की गई, जिसके चलते एक बार मिसाइल में चिट्ठियां भरकर भी पहुंचाने की कोशिश की गई थी। 1959 में हुई ये घटना अमरीका की है, जब USS बारबरो नाम की एक पनडुब्बी से एक मिसाइल लॉन्च की गई। ये मिसाइल ना तो आतंकवादियों पर मारी गई थी और ना ही किसी दूसरे देश पर। इस मिसाइल में ना तो बारूद था और ना ही परमाणु, बल्कि बारूद की जगह इस मिसाइल में 3000 चिट्ठियां भरी हुई थी और इस मिसाइल को US बारबरो से 100 मील या फिर 160 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा के एक नेवल बेस की तरफ दागा गया था। उड़ने के 22 मिनट बाद ये मिसाइल चिट्ठियाँ लेकर सफलतापूर्वक मेपोर्ट फ्लोरिडा के नेवल बेस पहुँच गई थी। इसके बाद पोस्टमास्टर ने चिट्ठियों को मिसाइल से निकाला और इनको इनके अगले सफर पर रवाना कर दिया। अब बात करते हैं कि ये तकनीक फेल क्यों हुई, क्योंकि आज भी चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ये सबसे तेज ढंग है, लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया? तो इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है इसकी हाई कॉस्ट। मिसाइल को एक बार लॉन्च करने का खर्च हजारों लाखों डॉलर का होता है और चिट्ठियों से इतने डॉलर नहीं कमाए जा सकते जिनसे मिसाइल का खर्चा निकाला जा सके। और दूसरा कारण ये है कि मिसाइल चिट्ठियों को घर घर तक नहीं पहुंचाएगी, बल्कि सिर्फ एक निश्चित जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर करेगी। इसके बाद फिर गाड़ियां और पोस्टमैन इनको आगे लेकर जाएंगे और वो इनको मिसाइल की तेज़ी से डिलीवर नहीं कर सकते। अगर 1959 वाली घटना को ही देखें तो उसमें चाहे 22 मिनट में चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गई थी, लेकिन इनको आगे पहुंचाने में 8 दिन तक का समय भी लगा था। तीसरा कारण इंटरनेट और मोबाइल फोन हैं, जिनके पॉपुलर हो जाने के बाद किसी को भी बहुत कम खर्च में संदेश भेजा जा सकता है, जिस कारण चिट्ठियां डालने की जरूरत लगभग खत्म हो गई। 1959 में किया गया ये कोई पहला एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि इससे पहले भी बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट अलग अलग देशों और विज्ञानियों के द्वारा किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ सफल रहे और कुछ असफल। वैसे 1959 में अमेरिका का मंतव सिर्फ मिसाइल से चिट्ठियां भेजना नहीं था, बल्कि दूसरे देशों को अपनी मिसाइल की सटीकता दिखाना भी था। अमेरिका ये चिट्ठियां भेजकर दूसरे देशों को ये संदेश देना चाहता था कि अगर ये मिसाइल इतनी सटीकता से एक जगह से दूसरी जगह तक चिट्ठियाँ पहुँचा सकती है तो बारूद लेकर जाने में भी इसको कोई तंगी नहीं होगी। मंतव चाहे कोई भी हो, लेकिन संचार में क्रांति लाने की ये कोशिश काबिले तारीफ है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।